एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रियादीप में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बाय टाइटल आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ बट सावित्री स्पेशल मीशो साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, दीप प्लीज बट सावित्री आने वाली है तो उसके लिए आप अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाइए। सो सॉरी, इस वीडियो में एक भी रेड साड़ी नहीं है। मतलब जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो मेरे माइंड से निकल गया था, बट इसके बाद आप लोगों को रेड, येलो, ग्रीन सारी साड़ियों का कलेक्शन देखने को मिलने वाला है। शाम में मैंने जैसे ही मुझे याद आया ना, मैंने फिर से ऑर्डर प्लेस कर दिए। बट हाँ, ये जो साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, आपसे शादी में या फिर घर में पूजा है या फिर डेली आप पहन सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी है। सबसे पहले आप ये येलो कलर की साड़ी देख लीजिए, इससे आपकी नजर ही नहीं हटेगी। ब्लाउज इसका नहीं है, ब्लाउज इसका जो है इससे भी ज्यादा हैवी है। यहाँ स्क्रीन पर मैं लगा दे रही हूँ तो आप देख लीजिए, पिक्चर लगा दे रही हूँ कि ब्लाउज आपको कैसे मिलता है। ब्लाउज मैंने स्टिच नहीं कराया हुआ है क्योंकि मेरे पास मिलता जुलता ब्लाउज था जो कि साड़ी के साथ प्रॉपर परफेक्ट जा रहा है। तो आप देख ही सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये साड़ी, स्क्रीन पे पूरा लुक है। मैं ये वाली साड़ी आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी ओह माय गॉड, मतलब मस्ट हैव साड़ी है गाइज। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने साड़ी मीशो से मंगाई हुई है। इसमें दो कलर अवेलेबल है, अभी ये वाला शायद स्टॉक में नहीं है, मैं चेक कर रही थी शाम में तो ये सोल्ड आउट हो चुका है। इसमें एक और कलर है फिरोजी, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर जब तक मैं वीडियो डालूंगी स्टॉक में आ जाएगा तो आप इस येलो कलर को भी ले सकते हो। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि यार इतने प्राइस में ऐसी साड़ी मिल रही है। और ऑर्गेंजा सिल्क की साड़ी है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सो फर्स्ट साड़ी हमारी ये है जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, पहले ही बोल दिया आपको। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड साड़ी की तरफ। ओ माय गॉड गाइस, मैं क्या बोलूं इस साड़ी के बारे में, क्या ना बोलूं, मेरे पास मतलब वर्ड्स ही नहीं है यार। इतनी खूबसूरत साड़ी मीशो पे कब से मिलने लगी। एक चीज इस साड़ी के साथ जो मुझे थोड़ा समझ नहीं आई वो है ना, इसमें रियल मिरर लगा हुआ है। अदरवाइज अगर पता है प्रियू छोटी ना होती ना तो इस साड़ी को मैं रख लेती, इस साड़ी को मैं रिटर्न करूंगी, जस्ट बिकॉज इसमें रियल मिरर लगा हुआ है। और मैं प्रियू को फीड कराती हूँ, आफ्टर फीड उनको ना ऐसे थपकी देना होता है तो कहीं उनको चुभ ना जाए। सेफ्टी पर्पज की वजह से मैं इस साड़ी को रिटर्न करूंगी। इसका जो फैब्रिक है जॉर्जेट है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। स्क्रीन पर मैं पूरा लुक लगा रही हूँ, आप देख लीजिए। मेरा ना मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं इस साड़ी को रिटर्न करूं, लेकिन बस यही है कि बच्ची छोटी है तो अपनी जो है जो ख्वाहिशें हैं फैशन है वो बाद में देख लेंगे। मैं तो आपको इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। काफी सारे लोग बोलते हैं कि ऑफर वीडियो में बोलती है मेरा फेवरेट है मेरा फेवरेट, तो आपका फेवरेट कौन सा नहीं होता है भाई। खुद से ऑर्डर प्लेस करती हूँ, खुद से मंगाती हूँ, पता नहीं कितने घंटे मीशो पे ऐसे ऐसे कर करके जाके मुझे अच्छी अच्छी साड़ियां मिलती है। आप लोगों को क्या है, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया तो आप उसके थ्रू जाके ले सकते हो। जो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब आपको कैसे मिल जाती है, शायद आप वर्क करते हो मीशो के साथ, तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं मीशो के साथ किसी भी तरीके से अटैच नहीं हूँ, कोलाबरेट नहीं है, मैं खुद के पैसों से मंगाती हूँ। आप लोगों को मैंने प्रूफ भी दिखा दिया हुआ है। अब मेरी बेटी रानी मुझे बुला रही है, 11:30 बज रहा है, उनका सोने का टाइम हो गया है, दिन के 11:30 बज रहे हैं। तो ये वाली जो साड़ी है इसमें काफी प्यारे प्यारे कलर ऑप्शन है। इसका मुझे ग्रे एंड ब्लैक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन मेरे पास ना ब्लू एंड इस कलर कॉम्बिनेशन में साड़ी नहीं थी तो मैंने इसको मंगाया था। मैंने सोचा था ना कि हो सकता है फेक मिरर हो, बट ये रियल मिरर है। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड साड़ी की तरफ। तो ये भी साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है यार, कुछ इस तरीके की साड़ी है और कलर चेंज होता रहता है इस साड़ी का, तो इस तरीके की है। मैं पहन के आपको दिखा रही हूँ, इसमें लेस लगा हुआ है। इसके पहले मैंने आप लोग के साथ ऐसी साड़ी का शेयर किया हुआ था तो उसमें लेस नहीं था, वो सिर्फ साड़ी ही थी। और जब मैंने देखा कि इसमें लेस भी लगा आ गया है तो मैंने सोचा था क्यों ना मंगाया जाए और आप लोग के साथ पहन के दिखाया जाए। तो इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से स्टाइल कर रही हूँ, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो कि कैसे मैंने स्टाइल किया हुआ है। और सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं कौन सी साड़ी में लग रही हूँ, या फिर यू बोल लूँ कि सबसे खूबसूरत आपको कौन सी साड़ी लग रही है, कॉमेंट में जरूर बताना। आप लोग बताना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो लाइक कर दो। कल एक मोहतरमा ने कमेंट किया था क्यों बनाते हो वीडियो, मैं बोलती हूँ आपको बनाने के लिए, तो मैं आपको बोलती हूँ आप आके कमेंट करो, भाई चैनल मेरा है, मेरा एक काम है, आप कब समझोगे कि मेरा काम है और मैं अपना काम करती रहूंगी। करी मैंने तो नहीं बोला कि आपने मेहनत करो, तो मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बोलो कि जाओ मेहनत करो, मैंने आपसे पूछा भी नहीं है, ये मेरा काम है, करती हूँ मेहनत, तो बोलती हूँ कि बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आप जैसे कुछ लोग जो सिर्फ आके स्क्रॉल करके अपने घर की फ्रस्ट्रेशन आके यहाँ कमेंट बॉक्स में निकालते हो ना, कुछ लोग होते हो जो इंसान को इतना डिमोटिवेट कर देते हो ना कि इंसान सोचता है यार ऐसे लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ, फिर याद आता है कि यार कुछ लोग इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, आप कॉमेंट बॉक्स चेक कर लो, तो फिर सोचते फिर एक ना मोटिवेशन मिलती है कि नहीं मैं
जो निगेटिव कर रहे हैं उनके लिए मैं अपनी चीजों को स्टॉप नहीं कर सकती हूँ। मैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव वे में जो रिप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में जो मुझसे बोल रहे हैं, मैं उनके लिए अपने चैनल को मैंने उनके लिए अपने चैनल को बनाया, उनके लिए अपने वीडियो बना रही हूँ। सो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो पॉजिटिव लोग हैं। निगेटिव लोगों से मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, एक दो बार देखती हूँ, छोड़ती हूँ, सोचती हूँ कि जाने दो। अगर दो से तीन बार कमेंट आया तो फिर वो ब्लॉक लिस्ट में जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों को मैंने ब्लॉक कर रखा है यार, नहीं चाहिए। सिर्फ लाइफ में ना पॉजिटिविटी चाहिए जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। निगेटिव पर्सन तो हमारे आसपास भी इतने भरे पड़े हुए हैं, क्या करेंगे हम उनका उनसे तो समझ लो हमारे आसपास के कैसे डील कर लेते हैं, बट कमेंट करने वालों को नहीं डील कर सकते हैं, इसलिए ब्लॉक में जाते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड साड़ी, बढ़ते हमारी फोर्थ साड़ी की तरफ। तो इस साड़ी का मैंने एक और कलर मंगाया होगा, आप लोगों को पता ही होगा, लाइट कलर, दीपावली वाले ब्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था। तो मुझे वो साड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई ना कि मैंने उसका दूसरा कलर मंगा लिया। पूरी साड़ी ऐसे है इस कलर में, और इसका ब्लाउज ना रेड कलर में मिलता है। ये देखो आप, फुल हैवी वर्क का ब्लाउज है। तो ऐसे मतलब कलर देखिए आप, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो इसे भी मैं आपको स्टाइल करके दिखा रही हूँ। आपको सबसे ज्यादा कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है बताना जरूर। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ 5 साड़ियां दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो में 5 साड़ी दिखाना मतलब आप समझ रहे हो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होती है। मैं चाहूँ तो एक दो साड़ी दिखा के हटा सकती हूँ। काफी सारे लोगों को देखती हूँ एक वीडियो में 2 से 3 साड़ी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि एक साड़ी पहन के बैठ गए, एक साड़ी और पहन के दिखा दिया। बट जब 5 साड़ी आप दिखाते हो ना, तो सोचो कि आपको बेटी सोचो ना, आपकी 5 साड़ी दिखा रहे हो तो 5 लुक आपको क्रिएट करना है, मतलब 5 बार आपको साड़ी पहननी है, उसको अलग तरीके से स्टाइल करनी है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। सो ये थी हमारी 4th साड़ी। बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट साड़ी की तरफ। इसका कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इसमें मेरे पास एक है येलो एंड ग्रीन में जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। सो मैंने सोचा कि यार इसमें हमें दूसरा भी मंगाना चाहिए क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सो ये है हमारी नेक्स्ट साड़ी। स्क्रीन पे लुकबुक लगा रही हूँ, आप देख लीजिए खुद। और कौन सी साड़ी आप बाय कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो मैंने 3 से 4 बार तो यही बोल दिया। और किस तरीके के वीडियोस देखने हैं भी बताना, बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि पता है मैं काफी टाइम से यूट्यूब से गायब हूँ। कुछ दिन एक्टिव रहती हूँ, फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, फिर फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है कि वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो फिर पता है मैं सोचती हूँ, जब वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तो मुझे समझ ही नहीं आता। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक टाइम मैं ऐसे ऐसे टाइटल मेरे माइंड में चलता था, बट अभी मैं ब्लॉग ही नहीं बना रही हूँ। ब्लॉग बनाऊ सोचती हूँ, यार टाइटल क्या डालू, समझ ही नहीं आता। मतलब मेरा माइंड ना इतना सा हो गया है कि मुझे टाइटल भी समझ नहीं आता। इसलिए मैं आप में से इतने सारे लोग मुझे मिस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाती हूँ, समझ लो थोड़ी थोड़ी क्लिप करके पता नहीं कितने ब्लॉग बना के रखी हूँ, बट अभी तक एडिट नहीं कर पाई हूँ ड्यू टू मतलब मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। बट हाँ, 2 दिन से टच वुड ठीक है, तो मैं 2 दिन से अपने काम को करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रियादीप चैनल पे ब्लॉगिंग को मैंने साइड में किया हुआ है। तो मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑलवेज, यू सून लॉट्स ऑफ लव। वीडियो को लाइक, किसी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में प्रोवाइड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑलवेज, यू सून लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।